महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय का 10वां दीक्षांत समारोह आज देशपांडे सभागृह में संपन्न हुआ। समारोह में 1253 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की गई। दीक्षांत समारोह में 1253 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की गई। डिग्री पाने वाले कुल विद्यार्थियों में 939 स्नातक, 275 स्नातकोत्तर और 39 विद्यार्थियों को पीएचडी की उपाधि दी गई। यह जानकारी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. आशीष पातुरकर ने एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि समारोह की अध्यक्षता प्रति कुलपति सुनील केदार थे। प्रमुख अतिथि के रूप में वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. शेखर मांडे उपस्थित थे। आम्ही केलेला प्रामाणिक प्रयत्न आपल्यासमोर मांडण्याची ही संधी घेत आहे। विद्यापीठ अत्याधुनिक वर्गखोल्या, अत्याधुनिक प्रयोगशाळा, सुसज्ज पशुवैद्यकीय चिकित्सा संकुल, चांगल्या माहिती तंत्रज्ञान सुविधा, आधुनिक ग्रंथ अत्याधुनिक ग्रंथालय व पशुधन शेत प्रक्षेत्र संकुल इत्यादी द्वारे दर्जेदार शिक्षण देत आहे। पदवीचे शिक्षण घेत असताना विद्यार्थ्यांना प्रायोगिक शिक्षण, आंतरवासित प्रशिक्षण, औद्योगिक आणि ग्रामीण कार्यानुभव कार्यक्रम आणि प्रत्यक्ष डेअरी प्लांट मध्ये दुग्ध तंत्रज्ञान या संबंधी प्रशिक्षण आणि मत्स्यपालन विद्याशाखे संबंधी प्रशिक्षण देण्यात येत आहे। सध्या विद्यापीठात विज्ञान शाखेतील शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या 1774, मत्स्य विज्ञान 184 असेल तर दुग्ध तंत्रशाखेत 198 विद्यार्थी आहेत। भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेचे ज्युनियर आणि रिसर्च सिनियर रिसर्च फेलोशिप परीक्षेत कामगिरी सुधारण्यासाठी पदवीधर विद्यार्थ्यांना प्राध्यापक सदस्याकडून विशेष प्रयत्न केले जात आहे। उन्होंने बताया कि समारोह में मेधावी छात्रों को पदक प्रदान किए गए। 7 स्वर्ण और 4 रजत पदक नागपुर पशु वैद्यक महाविद्यालय की छात्रा ऋतु पांचाल को प्रदान किए गए। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।